टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि दोस्तों NMDC लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। तो आप दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल्स इसके बारे में जानने वाले हो कि दोस्तों इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बाकी सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारी फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अभी। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नंबर पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स डिग्री डिप्लोमा ITI अगर पास आउट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों यह डिग्री डिप्लोमा ITI तीनों स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। तो यदि आप इन तीनों पास आउट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों सेकंड नंबर पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर आफ्टर ऑब्टेन डिप्लोमा डिग्री ITI। यानी दोस्तों यदि आपका पास आउट हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इसके लिए दोस्तों अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 3 वर्ष से कम हुआ यानी आप अगर इसी साल पास आउट हुए हैं या आपका 1 साल 2 साल हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पर लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स इससे पहले से ही चाहे आप NMDC लिमिटेड में चाहे कहीं भी अप्रेंटिस कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर और लिखा गया है चौथे नंबर पर, यदि आप कहीं से कोई दूसरा रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आपके पास 1 वर्ष या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को बाद में भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज पर। दोस्तों अगर आप इसके एलिजिबल हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, वरना बाद में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आगे बात करते हैं तो आगे लिखा गया दोस्तों कि यहाँ पर आपको कोई भी जॉब की गारंटी नहीं मिलेगी, आपका 1 वर्ष का ही अप्रेंटिसशिप होगा और उसके बाद आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और आगे दोस्तों बात कर ली जाए तो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे तो उनको यहाँ पर पोस्ट के माध्यम से या ईमेल या फिर SMS के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए दोस्तों कुछ डेट भी दिए गए हैं। तो यानी दोस्तों इसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद सीधे आपको इंटरव्यू के लिए ही बुलाया जाएगा यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो। चलिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में बात कर ली जाए तो कोपा के लिए यहाँ पर 30 सीट है और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो भी बुलाया गया दोस्तों तो आपका 20 जनवरी 2022 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और आगे आते हैं और यहाँ पर अगर दोस्तों ग्रेजुएट के बारे में बात कर ली जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो यहाँ पर 6 सीट है और जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है 21 जनवरी 2022। और दोस्तों वहीं पर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट है और यहाँ पर 22 जनवरी को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर 1 ही सीट है और इंटरव्यू के लिए 22 जनवरी का डेट है। और दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग और यहाँ पर सिविल है तो यहाँ पर 4 और 2 सीट यहाँ पर दी गई और 23-24 को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन या दोस्तों डिप्लोमा के बारे में। तो यहाँ पर मैकेनिकल है तो यहाँ पर 5 सीट है और 21 जनवरी को बुलाया गया है। और उसके बाद दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो यहाँ पर 2 और 1 सीट है और यहाँ पर 22 तारीख को ही बुलाया गया है। और माइनिंग इंजीनियरिंग तो यहाँ पर 1 सीट है, 23 तारीख है यहाँ पर डेट। MOM यानी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट तो यहाँ पर 3 सीट है, 25 तारीख है इंटरव्यू की डेट। और लास्ट में दोस्तों कंप्यूटर साइंस तो यहाँ पर 1 सीट है और 25 तारीख को। यानी टोटल डिप्लोमा में दोस्तों 13 सीट है, ग्रेजुएशन में 16 सीट है और आपका वहीं ITI के लिए 30 सीट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से ये अप्रेंटिस की एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है। तो आप दोस्तों यदि चाहें तो आप इसके बारे में पूरे डिटेल से जान सकते हैं। यह जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि दोस्तों NMDC लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। तो यदि आप इसके लिए चाहें, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।